आज के दौर में जो बंदा अपने नफ्स से लड़ता ही नहीं वो सबसे बड़ा मुजाहिद है। नफ्स कहे कि मुझे सुबह में बिस्तर पर सोना है और आपने फट से उठ गया, चल चल मैं मस्जिद में जाता हूं, समझ लो आप जिहाद में कामयाब हो गए। समझे आप मेरी बात। नफ्स कहे शादी है दांडिया रास बजाना है, आप कहे चल चल मैं दांडिया रास बजाकर मैं शैतान को राजी नहीं करूंगा, मैं तो नाद पढ़कर नबी को राजी करूंगा, तो ये आप कामयाब हो गए। अब चूंकि जाहिर सी बात है ये नेकी का काम, और ये भी 21वीं सदी में। किसी ने मुझे पूछा हाफिज साहब वली किसको बोलते हैं, मैंने कहा जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़े और शरीयत पर अमल करे वो वली है। अब इसमें रात रात जगने की जरूरत नहीं है, दिन भर के कुरान खोल के बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़े और शरीयत पर अमल करे, गुनाह से बच जाए, वो वली है। ये तो 21वीं सदी है नहीं, इस दौर में आप क्या कल्पना कर सकते। बहर के याद रखना जो भी करोगे, कहते ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, खोटी बात है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे नहीं, जो कुछ काले धोले गए ना वो सब साथ में आएंगे, खाली हाथ थोड़ी गए। वो तो मकान छूट गया, बच्चे छूट गए, फैमिली छूट गई, आपके दागिने छूट गए, आपकी गाड़ी छूट गई, तो वो लेकर भी कहां आए थे, कोई लेकर आए थे, लेकिन गुनाह भी तो लेकर नहीं आए थे। अब वो साथ में जा रहा है, ये सब छूट गया, ये साथ में जा रहा है, तो फिर आप देखना वो कब्र है कब्र। इसलिए अभी से चिंता मत करना, शादी 48 घंटे की होती है, 60 घंटे की होती है, बराबर। तो इस शादी में आप मौज कर लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहु मजा आएगी, फिर कब्र में भी तो देखना पड़ेगा ना कैसी मजा आती है। बात समझे आप। आज दुनियादार है क्या, हमें तो आप ही सब बांधो ने एक दिन तो हाल है, एक दिन हाल है, और शरीयत के ठेकेदार हमें, कानून हमने बनाया नहीं। बहुत सारे लोग सलाहकार आते हैं, अबे अपने चुपचाप कोई ने कहवा ही नहीं, वाड़ी राखी लो, आप लत्ता माँ हो तो माथा कूद था ही नहीं, वाड़ी माँ कौन जोवावनु, अल्लाह हमें तो नहीं, अल्लाह तो जोवे नहीं है, अल्लाह तो देखता है, लेकिन लोगों की फितरत है मानसिकता। इसलिए दोस्तों बचो 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 बचो।